आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में उनकी परख और बयानों में उनकी भाषा शैली हमेशा चर्चाओं में रहती है। लालू यादव अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्सर आपने लालू यादव को मोदी पर प्रहार करते या फिर विपक्षियों पर बरसते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने उन्हें भावुक होते देखा है? वो भी ऐसे मन से जहां से वो पीएम मोदी पर शब्दों के बाण भेद रहे हो। जी हाँ, मुंबई में विपक्षी दल इंडिया की बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव ने अपने भाषण के दौरान जहां मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ भी की, लेकिन इस दौरान वो भाषण देते हुए भावुक भी दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने बेटी का जिक्र किया। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उस समय लालू यादव पर परेशानियों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। उस वक्त उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दान की थी। ये साल 2022 की बात है। बस इसी बात का जिक्र करते हुए लालू यादव इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें किडनी दान में देकर नया जीवन दिया है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। हमने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, कोई शौक से नहीं कराया है। डॉक्टरों ने कहा कि करा लो भाई, हमारी बेटी सिंगापुर में रहती है, उसने अपना किडनी दान दे दिया, जीवन दान दिया हमारी बेटी। और वहाँ इतना हम अपना शरीर का ऑपरेशन कराए हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं। और पहले इस रोग के अलावा एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर पंडा है, यहाँ नामी ग्रामीण सर्जन हैं, 5-6 हमारा ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन आप सबका आशीर्वाद और कृपा है कि हम जीवित हैं और हम आगे भी, हम काफी, मेरा हौसला मजबूत है कि हम रहेंगे और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। लालू की माने तो वो जनता की दुआ और अपनी बेटी की वजह से एक बार फिर से जीवित हुए हैं। इसके बाद लालू यादव ने कहा कि वो अब ना तो डरने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। इस दौरान मोदी को लेकर लालू यादव ने ऐसा बयान दिया कि वहां बैठे सभी लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्र लोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा, पहुंच तो जाओ, हाँ दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का, अमेरिका अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है तो ये भी देख लेगा कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं। आगे दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। इतनी गरीबी है, गुरबा लोग हैं,